सई की सौतन पाखी यानी कि ऐश्वर्या शर्मा की मेकअप टिप्स। भाई इस त्योहार में कैसे सजे धजे, क्या गहने पहने और कैसा होना चाहिए गरबे की रात के लिए आपका मेकअप, ये सारी चीजें हमें बता रही हैं पाखी यानी कि ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या गुजराती छोरी है और ऐसे में उन्हें नवरात्रि का ये त्योहार बेहद पसंद है। तो चलिए सीधा चलते हैं ऐश्वर्या के मेकअप रूम में और जानते हैं नवरात्रि के त्योहार की उनकी सज धज और कुछ हसीन यादें भी। तो ये है मेरा छोटा सा वैनिटी। सो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप कर रहे हैं सो गरबे के लिए आपको बहुत पसीना निकलेगा करने के लिए, सो आपको अच्छा एक थिक फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा जो हम यूजुअली करते हैं शूट में यूज़। सो आई यूज़ क्रायलॉन एंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड मेकअप बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, सो बैलेंस हो जाती है उसकी वजह से। तो आई यूज़ फ्यू लिक्विड बेसिस ऑल्सो मिक्स करके मैं करती हूँ। सो उसको लगाने के बाद आप आई शेडो, आप जैसा कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं वैसा कॉस्ट्यूम का आप मेकअप कर सकते हैं। ये मेकअप तो जैसे मैंने अभी पहनी है सारी पेस्टल पिंक है, लाइट ब्राउनिश है और मल्टी कलर्ड ब्लाउज है मेरा। सो हमने जो शिमरी आई शेडो मैंने किया हुआ है वो मैंने किया है। सो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं अगर आप पेस्टल कलर्स पहन रहे हैं तो। एंड ऑल्सो और क्या किया मैंने सो मैं जस्ट बता रही हूँ, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, है ना? ऐसे ऐसे हो जाओ ठीक है। ओके सो शिमरी आई शेडो के बाद जो मैंने लाइनर इसमें किया है बिकॉज ये मेरा रोज का लुक है, डेली होम लुक है। सो मैं लाइनर जो लगाती हूँ मैं स्मज्ड लाइनर यूज़ करती हूँ। लाइनर लगा के आई स्मज इट, वो प्रॉपर एकदम पॉइंटी लाइनर आई डोंट यूज, वो सिर्फ मैं फंक्शन में यूज़ करती हूँ। तो इसमें स्मज मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। यू शुड ट्राई इट इफ़ यू वांट टू डू इट। देन गरबे में स्मोकी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, नीचे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। न्यूड फॉर लिपस्टिक स्मोकी आई में आपको अगर वो कलर के कलर पर डिपेंड करता है, और अगर गरबा है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर डार्कर कलर्स जितने भी, क्योंकि यार गरबा कर रहे हैं डार्क करना है वैसे पसीने में सब निकल जाता है। सो आप अगर लाइट यूज़ करेंगे तो वैसे भी कौन चमकेगा कौन दिखेगा पता नहीं। सो हाँ डार्क यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से गरबे के लिए। वैसे तो मैं ये रोज़ ही करती हूँ बिकॉज़ मेरा काम है, मुझे मेकअप करके रोज़ शूट पे जाना पड़ता है। और आजकल आप लोगों को भी पता है, आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे मेकअप की कैसे रेडी होना है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी, मुझे बहुत पसंद थी बिकॉज़ मेरी मम्मी गुजरात से है तो बचपन से मैंने बहुत गरबा किया है, तो आई कैन से आई एम हाफ गुजराती। तो गुजरात अंदर का गुजराती मेरा जाग जाता है नवरात्रियों में। और वैसे भी मैं दया बहन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं हालो कभी भी चालू हो ही जाता है। सो मम्मी से ही सीखा है मैंने गरबा करना बचपन में नवरात्रि में। मेरी मम्मी ने ही एक्चुअली स्टार्ट किया बिकॉज एमपी में इतना ज़्यादा नहीं था, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मेरी मम्मी ने एक चेयर लगा के उस पर दुर्गा माता की तस्वीर रख के हम आसपास पूरा गरबा करते थे, तो इतने लोग आते थे। तो मेरी वही मेमोरीज़ हैं अभी तक, और कॉलेज वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है और अवार्ड्स भी विन किए हैं। बॉलीवुड नहीं बट गुजराती वाले जो मम्मी का सेट्स लेकर आती थी बचपन में, जो गुजरात से लेकर आती थी, जो टिपिकल गुजराती सॉन्ग्स गरबे के लिए, एक तो पंखीड़ा था, एक वो ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ मा वो वाला था, एक पंखीड़ा पंखीड़ा, और भी बहुत सारे थे दुर्गा माता के। तो ये सारे याद है, और बहुत फास्ट गरबा सॉन्ग्स भी थे जो मुझे अभी याद नहीं है, मैं क्योंकि मुंबई आने के बाद तो मैंने गरबा खेला ही नहीं है यार। आई मिस इट, आई रियली मिस इट। सस्ती धस्ती तो है और जाना भी चाहिए, उसी में मज़ा है यार। क्योंकि हम जब छोटे थे तो मम्मी चनिया चोली लेकर आती थी हमारे लिए, अच्छे गेयर वाले फ्लेयर जो होते थे, टिपिकल जो गुजरात के ऐसे ऐसे मिरर वर्क वाले जो होते थे, सो मम्मी हमारे लिए लेकर आती थी नए नए, और हम पहन के गरबा करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो सजना संवरना तो बचपन से आता है मुझे। तो मैंने आपको सारी टिप्स दिए कि आप नवरात्रि में कैसे रेडी होती हैं, और बिंदी लगाना मत भूलिएगा, जितनी बड़ी बिंदी होगी आप उतने अच्छे लगेंगे।
छोटी भी बहुत अच्छी लगती है, आपके फेस के अकॉर्डिंग आप लगाना कि कैसी लगेगी। सो ये मेरा रोज़ का काम है, मुझे रोज़ रेडी होना पड़ता है। आप तो घर पे नहीं होते होंगे रोज़ रेडी, तो नवरात्रि में आप इंजॉय कीजिए, रेडी होइए खूबसूरत। देखिए वैसे तो सभी खूबसूरत होते हैं, बट मेकअप लगाने के बाद थोड़े और हो जाते हैं। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।